सरकार ने झारखंड पुलिस के सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2016 को निरस्त कर दिया है, जिसके बाद झारखंड पुलिस के कुछ प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देने के लिए इस वक्त सीएम हाउस पहुंचे हुए। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ढोल नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ पर झारखंड पुलिस की ओर से धन्यवाद दिया जा रहा है। दरअसल आप लोगों को ये तस्वीर देखने के बाद उन दिनों को जरूर याद कर रहे होंगे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई ऐतिहासिक फैसले ले रहे थे, और इसी तरीके से तमाम जो राज्यवासी है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे थे। ये सीधी तस्वीर हम आपको सीएम हाउस की दिखा रहे हैं, जहाँ पर कैबिनेट के माध्यम से तमाम झारखंड पुलिस को एक बड़ी सौगात मिली है। 2016 का जो नियमावली था उसको निरस्त कर दिया है, जिसके बाद तमाम जो झारखंड पुलिस के प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे, उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें धन्यवाद भी देंगे। जरूर हम झारखंड पुलिस के कुछ प्रतिनिधि मंडल से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितनी खुशी की बात हो रही, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई ऐतिहासिक फैसले भी लेते हुए नजर आ रहे। कुछ लोगों से बात करते हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? अरे बता दी, कितनी खुशी महसूस हो? बहुत खुशी है हम लोगों को, जो ये सीमित परीक्षा वाली जो खत्म हुई है, बहुत खुशी है हम लोगों के लिए। निरस्त कर दिया गया नियमावली को, बहुत, बहुत बहुत इसके लिए मैंने सरकार का धन्यवाद, और क्या बोल सकते हैं, हम लोगों को बहुत खुशी है। हर्ष उल्लास के साथ हम लोग आए साहब से मिलने के लिए, सर से मिलने के लिए। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, आभार व्यक्त करेंगे, कितनी खुशी महसूस हो रही है? 2016 का जो नियमावली था उसे निरस्त कर दिया गया है, कैबिनेट के माध्यम से बड़ी सौगात मिली। पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा और कहना चाहूंगा कि खुशी का तो सीमा ही नहीं है, बहुत दिनों से इंतज़ार था हमें इस पल का, और इस सरकार के द्वारा हमें यह खुशियाँ मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सरकार को देंगे हम, और हम लोगों के लिए अब जो प्रमोशन का रास्ता पूरा खुल गया है, और बहुत ही खुशी है। इसी खुशी में हम लोग सर से मिलने के लिए यहाँ आए हुए हैं, हम मिल करके उन्हें इस नियमावली के तहत ये कहा जा रहा था कि जो भी सिपाही इस एग्जाम को पास करेंगे उन्हें सीधा दरोगा की प्रोन्नत होता था, तो आप लोग लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि ये निरस्त हो जाए। अब निरस्त हो गया है, क्या कुछ कहिएगा? ना, निरस्त हो गया, इससे हम लोग का और उन्नति होगा और चांस मिला, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे हो गए थे, इसलिए हम लोग बहुत खुश। लंबे समय से मांग जो कर रहे थे वो मांग पूरी हो गई है, लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐतिहासिक फैसले भी ले रहे हैं, और राज्यवासी उन्हें यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए भी पहुँच रहे हैं, और आज झारखंड पुलिस यहाँ पर पहुँची, कैसा लग रहा है? इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय का बहुत ही हम धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि पुलिस कर्मियों के मांग ये थे कि बहुत दिनों से लोग नौकरी कर रहे थे, बहुत 20-25 साल हो गया था, तो अब लोगों को अब दरोगा में प्रमोशन होगा। और भी कुछ मांग है पुलिसकर्मी की जो विचाराधीन है सरकार को, तो मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि और भी जो कुछ पुलिसकर्मियों की मांग है उसको भी वो पूरा करें, इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय का मैं आभारी हूँ। और भी मांगे हैं आप लोगों की, लेकिन ये जो मांग थी जो प्रमुखता से आप लोग रख रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने, कैसा लग रहा है अब आप लोगों की मांग पूरी हो गई? जितना हम लोग खुशी का इजहार करें कम है, बहुत हम लोग को खुशी हुआ है। आज हम लोग को जो मिला है तोहफा, आज बहुत उससे बहुत हम लोग खुश हैं, और अब किसी तरह हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो हमको तोहफा देते रहे, हम अपना सही ढंग से ड्यूटी पालन कर सके। ये ऐतिहासिक जो तस्वीर हम लगातार लोगों को दिखा रहे हैं, आपको याद होगा कि कई बार राज्यवासी जो है इसी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुँच रहे थे जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऐतिहासिक फैसले ले रहे थे, तो आज खुशी महसूस हो रही है उनके द्वार पर। आज हमको इनके मार्गदर्शन से मिल गया, आज हम बहुत खुश, इसी खुशी के उपलक्ष में हम लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं। जश्न भी मना रहे हैं? जी हाँ, जश्न मना रहे हैं, पूरा जश्न मना रहे हैं। और भी कई लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि लंबे समय से मांग कर रहे थे और इसी तरीके से कैबिनेट से इन्हें बड़ी सौगात मिली है, और लगातार ये लोग अपनी आवाज़ को भी उठा रहे थे। और भी कई लोगों से बात, कितनी खुशी महसूस हो रही? नहीं बोल पाइएगा, इतनी खुशी है, कितनी खुशी महसूस हो रही? मनोज सर से, मनोज सर से। अरे आप लोग बोल दीजिए, खुशी महसूस? बहुत खुशी की बात है कि हमारे सवार हमारे जो भी मांग थी उन्होंने पूरा किया, इसीलिए हम लोग गाजे बाजे के साथ श्रीमान को धन्यवाद देने के। कितने बजे बुलाया गया है अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने? 7 बजे टाइम, 7 बजे। कुछ लोग जाएंगे या सभी लोग जाएंगे? सभी लोग जाएंगे। कहाँ से? हम लोग तो अभी रांची से आए हुए। लगता
लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सीएम हाउस के समक्ष की, जहां पर झारखंड पुलिस के तमाम जो प्रतिनिधि मंडल है इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। 2016 का जो नियमावली जो कैबिनेट के माध्यम से निरस्त हुआ है उसको लेकर तमाम जो झारखंड पुलिस के प्रतिनिधि मंडल है वो काफी खुश है और यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देने के लिए पहुंचे। कई लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वो मांग पूरा भी कर दिया है और इसी तरीके से और भी कई मांगे हमारी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संज्ञान में भी लिए हैं और लगातार लोगों का कहना है कि हम चाहते हैं कि वो भी मांग हमारी पूरी हो जाए। फिलहाल लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे सीएम हाउस के समक्ष की, जहां पर झारखंड पुलिस के तमाम जो प्रतिनिधि मंडल है वो इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और उन्हें धन्यवाद भी देंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची।